मुझे नहीं पता इस वीडियो के बनाने के बाद मैं बच्चों का कि नहीं थे, वो सीधा मेरे कमरे में आए, मेरी मम्मी को धक्का मार के उन्होंने गिरा दिया एंड वो मुझे पागलों की तरह मारने लग गए। मैं उठा, मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, भाई हुआ क्या, बात तो बताओ। वो कुछ नहीं बोल रहे, एक बंदा वीडियो बना रहा था, बाकी सब मुझे मार रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं अधमरा हो गया, एक तरह से बेहोशी हो गया भाई। इतना मारा उन्होंने, इतना मारा मुझे, मेरे हाथ की हड्डी, मेरे पैर की हड्डी, मेरे नाक की हड्डी, मेरे शरीर में इतने सारे जख्म हो गए हैं। मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ, आप तक ये बात पहुँचा रहा हूँ। मुझे आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर चाहोगे तो मुझे ज़रूर इंसाफ मिलेगा। एंड इन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, और सही बता रहा हूँ, मेरे घर पर मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे पापा नहीं है, आप सबको पता है जो मुझे पुराने टाइम से जानते हैं। मैं खुद घर चलाता हूँ, मेरी अकेली मम्मी। इन्होंने फायदा उठाया, एक ऐसा इंसान जो सो रहा है उसको आके मार रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? मुझे जस्टिस चाहिए, प्यार और सपोर्ट चाहिए बस। बाकी मिलते हैं अगर बचे तो।